ग्रीन सिटी चार में पर्यावरण पूरक होली और धूलिवंदन का उत्साह भरा त्योहार बड़े ही खुशहाल और उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया और जिसमें सभी धर्म के लोगों ने सहभाग लेने से पूरे घरों में खुशी का माहौल था। छोटे बच्चे, आबाल वृद्ध, युवक युवतियां, महिलाएं सभी ने मिलकर अपने परिसर को साफ किया और क्षेत्र की पेड़ पत्ती, कूड़ा और कचरा जमा कर शाम को पर्यावरण पूरक होली जलाने का संकल्प लिया। ग्रीन सिटी फोर सोसाइटी के अध्यक्ष तपन शर्मा और सचिव मेश्राम ने सभी से अनुरोध किया कि कोई भी पर्यावरण की क्षति हो ऐसी होली और धूलिवंदन नहीं मनाएगा। शाम को होलिका की पूजा अर्चना कर कुटुम्बिक हिंसाचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, व्यसनाधीनता, बलात्कार जैसे समाज में फैली कुप्रथा को होलिका में दहन किया और शांति, सद्भाव, प्यार, भाईचारा, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त जीवन भविष्य में जीने की कामना की गई। होलिका दहन के बाद सभी ने शुभकामना देते हुए खुशी का इजहार किया। रंग पंचमी के दिन ग्रीन सिटी फोर के सत निका धारकों ने पार्किंग स्थल जमा होकर बड़े ही शानदार तरीके से उत्सव मनाया, मगर सभी गुलाल रंग का इस्तेमाल कर पर्यावरण की रक्षा करते हुए रंगोत्सव मनाया। खान पान की चीजों का विशेष ध्यान रखा गया था। डीजे की धुन में थिरकते हुए सभी आयु के लोगों ने नृत्य का लुत्फ उठाया। जागतिक महिला दिवस के अवसर पर सभी महिला व युवतियों ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। इस समारोह की प्रमुख अतिथि विदर्भ की प्रथम प्रोफेशनल फोटोग्राफर, लेखिका, नाटक व मराठी फिल्म कलाकार प्रमीला पाटिल के हाथों केक काटकर समारोह की शुरुआत की गई। ग्रीन सिटी की महिलाओं ने रंगीन वेशभूषा परिधान कर नृत्य, गाने, परिसंवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रमुख अतिथि विमल पाटिल ने अपने मार्गदर्शन उद्बोधन में कहा कि हर स्त्री को चूल्हा चौका के साथ अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालने की जरूरत है। कोई क्रांति सोच के नहीं होती, वो अपने आप हो जाती है। जैसा कि सावित्रीबाई फूले, झांसी की रानी, माँ जिजाऊ, मदर टेरेसा, इन्होंने भी अपने कार्य द्वारा क्रांति की, मगर जब कार्य की शुरुआत की तो उन्हें कतई मालूम नहीं था कि हम कोई क्रांति करने जा रहे हैं। इसलिए प्रमीला पाटिल ने कहा, आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ हटके कार्य की शुरुआत करो, सफलता आपके कदमों में होगी। सभी समारोह को उपस्थित महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में कुछ नया कर दिखाने का और दृढ़ संकल्प लेने का आह्वान किया। समारोह को अरुण मेहणी, प्रतीकी ढेंगे, रंगारी ताज ने, आशीष गठीबांधे, मेश्राम लांबे, मंदार पाटिल, चित्रा मेहंदी, रेखा रंगारी, स्मिता ताइडे, श्वेता शर्मा, रोशनी गठीबांधे, प्रतीकी ताज ने होली, धूलिवंदन और महिला दिवस समारोह को सफल बनाने अथक प्रयास किया। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जो पूरा सोसाइटी है, हम जो सोसाइटी में रहते हैं ग्रीन सिटी फोर, तो यहाँ पे मैंने देखा कि जब से हमने, हालांकि हमें आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन यहाँ जितने भी प्रोग्राम मनाए गए, जैसे दो दिन पहले होलिका दहन का जो कार्यक्रम किया गया, ठीक है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत है ना। और उस होलिका के दहन में जितने भी हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, जितनी भी गलत भावना है, उसको हम सब ने मिलकर उस होलिका दहन में उन सारी बुराइयों का भी दहन किया। और ये नागपुर के गोटार पांजरी से सुनील ताइडे की रिपोर्ट।